सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मोनिकाज किचन को और साथ में इस बेल को भी दबाइए ताकि आपके पास मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और ये बिल्कुल फ्री है, इसके आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका त्यागी और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मोनिकाज किचन में। तो आज फिर मैं आपके साथ अपनी एक न्यू रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि है सूजी यानी रवा की टोस्ट। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसे सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन के लिए बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसे इवनिंग स्नैक्स के रूप में बनाकर खा सकते हैं। मैं हमेशा इसी तरह की इजी और स्वादिष्ट रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहती हूँ। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं और आप इसी तरह की सभी इजी रेसिपीज़ को देखना चाहते हैं, इसके लिए आप मेरी वीडियो के नीचे सैरों पर क्लिक कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा और आपको एक लिंक नज़र आएगा, इस लिंक पर क्लिक करके आप मेरी सभी रेसिपीज़ को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस आसान सी रेसिपी को। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। आइए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसके लिए आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। सूजी यानी रवा टोस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 व्हाइट ब्रेड स्लाइस लिए हैं, आधा कप सूजी, आधा कप फ्रेश दही, 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई प्याज, 2 बड़े चम्मच गाजर बिल्कुल बारीक कटी हुई, सब्जी आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद है वही आप ले सकते हैं, 2 बड़े चम्मच टमाटर बारीक कटा हुआ, 3 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, आप तीखा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, 1 इंच अदरक छिला हुआ, आप चाहे तो पेस्ट बनाकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसको कद्दूकस करके यूज करूंगी, 2 बड़े चम्मच धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है टोस्ट को सेकने के लिए, आप चाहे तो तेल भी यूज कर सकते हैं, स्वाद अनुसार नमक। अब सबसे पहले एक बड़े से बाउल के अंदर हम यहाँ पर ये सूजी डाल देंगे, दही डाल दें, बारीक कटा हुआ प्याज डाल दें, टमाटर, गाजर, आप चाहें तो पत्ता गोभी ले सकते हैं या फिर आप शिमला मिर्ची इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी मिर्ची डाल दें। और अब मैं इसके ऊपर यहाँ पर ये अदरक को कद्दूकस कर लूंगी, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर बारीक वाले छेद से अदरक को कद्दूकस करूंगी, ये देखिए अदरक को मैंने कद्दूकस कर दिया है। तो अब यहाँ पर ये धनिया पत्ती जाएगा इसके अंदर, और अब इसके अंदर ये चाट मसाला जाएगा, साथ ही इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, नमक थोड़ा ध्यान से डालें क्योंकि चाट मसाले के अंदर भी नमक होता है। और अब इन सभी सामग्री को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको प्लेट से कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब 10 मिनट बाद हमारी सूजी अच्छी तरह से फूल चुकी है, तो इसे इस तरीके से अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए जिससे कि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए ये मिक्सचर हमारा तैयार है। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रेड स्लाइस लिया हुआ है, इसके ऊपर आप इस तरीके से इस मिश्रण को अच्छी तरह फैला दीजिए। तो यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड को इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब इधर मैंने यहाँ पर तवा गरम होने के लिए रखा हुआ है, जैसे ही हमारा तवा अच्छी तरह से गरम हो जाए इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दें और इसे इस तरीके से अच्छी तरह फैला दीजिए। अब ये आप हाथ इस तरीके से इसके ऊपर करके चेक कीजिए कि आपका जो तवा है वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए, उसके बाद आप ब्रेड का स्लाइस लीजिए और जिस तरफ आपने मिक्सचर लगाया है उसको नीचे की साइड करके इसके ऊपर रख दीजिए। अब गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पर इसको इस तरीके से हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए 5 मिनट के लिए पका लेंगे। और तब तक हमारे टोस्ट एक तरफ से सिककर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरे ब्रेड स्लाइस के ऊपर इस तरीके से इस रवा के मिक्सचर को लगा लेंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, अब इस तरीके से आप टोस्ट के ऊपर थोड़ा सा घी अप्लाई कर दीजिए। और अब हम इसको सावधानी पूर्वक इस तरीके से उलट लेंगे
अब 2 मिनट के लिए हम इसको इस तरफ से भी हल्का सा ब्राउन होने तक सिकने देंगे। इस तरीके से आप इसको हल्का सा प्रेस कर दीजिए। ये देखिए 2 मिनट बाद हमारे ये रवा टोस्ट सिककर तैयार हो चुके हैं, तो इसे ट्रे के ऊपर निकाल लेंगे और ठीक इसी तरीके से हम बाकी के टोस्ट भी सेक कर तैयार कर लेंगे। आप रवा टोस्ट को सेकने के लिए सबसे पहले जिस तरफ आपने मिक्सचर लगाया है उस साइड को आप नीचे रखिए और उसके बाद आप दूसरी साइड से सेकिए, तो बहुत ही अच्छे आपके रवा टोस्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट हमारी रवा टोस्ट बनकर तैयार है। अब आप इसको इमली की चटनी के साथ, टोमेटो सॉस के साथ, ग्रीन चटनी के साथ या फिर आप चाहें तो इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आपके बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ नीचे लाइक बटन को ज़रूर दबाइए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी से संबंधित मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब की साइड में आए हुए बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाएं, मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।